हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी विदाउट कुकिंग से बनने वाली पीनट बटर आइसक्रीम, जिसे हम इंस्टेंट ही बनाकर तैयार कर लेंगे, जिसे हम शुगर फ्री बनाएंगे। आप चाहें तो इसमें शुगर डाल के इसे मीठा भी कर सकते हैं। तो चलिए शुगर फ्री बहुत ही टेस्टी पीनट बटर आइसक्रीम बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मॉम्स मैजिक बिस्किट का इस्तेमाल किया है। इसे ही जितनी भी स्वीटनेस आनी होगी उतनी आएगी, अलग से हम इसमें शुगर ऐड नहीं करेंगे। अगर आपको थोड़ा मीठा पसंद है तो आप यहाँ पर 1-2 चम्मच चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये 30 रुपये वाले बिस्किट का पैकेट लिया है, जिसमें से मैंने 2 लड़ी ले ली है। यदि आप 10-10 रुपये वाला बिस्किट का पैकेट ले रहे हैं तो 2 पैकेट ले लें। इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया हमने, ये देखिए पाउडर फॉर्म में बना लिया है। अब इसे एक बाउल में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। इससे हमारे आइसक्रीम को एक बेस मिलेगा, क्रीमीनेस मिलेगी। और अब हम इसमें डाल देंगे 1-1.5 गिलास दूध। ये देखिए मैंने थोड़ा सा पानी भी मिक्स कर दिया है इसमें। सभी चीज़ों को हमें बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। बिस्किट थोड़ी सी अगर दर्दीली हो तो उसे अच्छी तरह से घोल दें। अब यहाँ पर हमें इसे टेस्ट देने के लिए पीनट बटर डालेंगे। तो 2 चम्मच पीनट बटर की हम इसमें ले लेते हैं स्कूप। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी आइसक्रीम बनती है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे भी बटर, ये जो पीनट बटर होता है वो सभी को पसंद आता है। एक हैंड विस्कर की मदद से इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, जिससे कि कहीं भी गुठलियाँ ना रह जाएं और सभी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाएं। तो ये देखिए हमारा आइसक्रीम का मिक्सर रेडी हो चुका है। बिल्कुल बहुत ही कम समय में ये बनकर तैयार हो जाता है। इस तरह के काम बच्चों को करने में बहुत ही अच्छा लगता है। यदि आपके बच्चे आइसक्रीम खाने की ज़िद करते हैं तो आप उन्हें बोल दें कि आप आइसक्रीम खुद ही बना लें। इसे बनाने में ना ही हमें कुकिंग करनी है, ना ही ज़्यादा मेहनत का काम है और ना ही बहुत ज़्यादा हमें कोई इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करने हैं। तो ये देखिए सभी स्टैंड में हम अच्छी तरह से पोर कर देंगे। अगर आपके पास ये आइसक्रीम स्टैंड ना हो तो आप इसे गिलास में या फिर डिस्पोजेबल कप में भी बना सकते हैं। इसे जमने में 7-8 घंटे लग जाते हैं या फिर ओवरनाइट भी लग सकता है। तो बस ये सिंपल सा मिक्सर बनाने में बहुत ही कम समय लगेगा और बाकी का समय लगेगा जो है वो जमने का है, तो वो तो फ्रीजर ही करेगा, वो आप कर नहीं सकते हो। ये देखिए अब हमने यहाँ पर एक क्लीन रैप लगा ली है। ज़रूर लगाएं, इससे हमारी आइसक्रीम में क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है और आइसक्रीम बहुत ही परफेक्टली जमती है। कभी कभी क्या होता है, हम जो फॉइल आती है सिल्वर फॉइल वो लगा देते हैं, जिसके कारण हमारी आइसक्रीम नहीं जमती है। तो आप चाहें तो इसे लगाएं या फिर कोई भी पॉलीथीन का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। अब हमने इसमें चाकू से छेद कर लिया है, आइसक्रीम स्टिक लगा देंगे और इन्हें हम जमने के लिए छोड़ देंगे फ्रीजर में 7-8 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट। ये देखिए इसमें नहीं आ रही थी तो मैंने डबल स्टिक लगा दिए हैं। अब सभी में स्टिक लग चुकी है, इसे रख देते हैं जमने के लिए। बच्चों ये बैटर को हमने यहाँ पर डिस्पोजेबल कप लिया है ग्लास, इस तरह से आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास सांचे ना हो, आप नॉर्मल घर की जो गिलास होती है ना वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कप में भी आप इन्हें जमा सकते हैं और इस तरह से पॉलीथीन लगा दें या फिर क्लीन रैप लगा दें और कोई भी स्पून को उल्टा करके या फिर इस तरह से स्टिक लगा के भी जमा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ओवरनाइट आइसक्रीम जमने के लिए रख दिया था। आइसक्रीम बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो गई है। अब इसकी हम जो क्लीन रैप है वो निकाल लेते हैं, इसे थोड़ा नॉर्मल होने देते हैं और बस हमारी आइसक्रीम बनकर तैयार हो गई है। तो इस समर सीज़न में आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरह के और भी टेस्टी और झटपट से बनने वाली रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको मेरे मिल सके। मेरे चैनल में बहुत सारे तरह की आइसक्रीम्स की रेसिपी हैं जिन्हें आपने बहुत ही प्यार दिया है, तो आप इन्हें और भी इंजॉय करें। ये देखिए ग्लास वाली भी बहुत ही अच्छी तरह से हमारी जम चुकी है। इसे भी हाथों से हल्का सा रब कर लेंगे या फिर आप 2-3 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर पर, तो बहुत ईजिली हमारी आइसक्रीम निकल कर तैयार हो जाएगी। तो है ना बहुत ही झटपट से बनने वाली बहुत ही टेस्टी और मार्केट से भी अच्छी बनने वाली आइसक्रीम रेडी हो गई है। अब इसके ऊपर से थोड़ा सा मैंने डेकोरेशन के लिए मीठी सौंफ लगा दी। तो लीजिए बनकर तैयार है हमारी पीनट बटर आइसक्रीम रेसिपी, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो फ्रेंड्स और फैमिली को भी शेयर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम की रेसिपी, जिसे हम इंस्टेंट बनाकर तैयार कर लेंगे। इसे बनाने के लिए हमें गैस को भी ऑन नहीं करना पड़ेगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। इसे बनाने के लिए हमने एक बॉयल किया हुआ ठंडा दूध ले लिया है, तो यहाँ पर मैं 1.5 गिलास दूध ले रही हूँ। अब हम इसे मीठा करने के लिए और टेस्टी बनाने के लिए मिल्क मेड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर 1/2 टिन यानी कि 1/4 कप से थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास ये मिल्क मेड ना हो तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को हमें बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। ये बहुत ही मलाईदार और बहुत ही टेस्टी मिल्क बनकर तैयार होता है, क्योंकि इसमें मिल्क भी है, मिल्क मेड भी है। तो सभी चीज़ों को हमें बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा कोई और फ्लेवर चाहते हैं तो आप अपने मनपसंद कोई भी फ्लेवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ब्लूबेरी फ्लेवर दे रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास ये एसेंस फ्लेवर और इमल्सन तीनों का मिक्सचर होता है, ये वही है। आप चाहे तो अपने मनपसंद किसी भी फेवरेट जो फ्रेश फ्रूट होता है उसका भी प्यूरे डाल सकते हैं, या फिर आप इस तरह से ये कलर एसेंस डाल सकते हैं। इससे फ्लेवर और एसेंस का जो फ्रेग्रेंस होता है वो सब आ जाता है। तो यहाँ पर मैं ये देखिए डाल रही हूँ। जब तक आपको परफेक्ट कलर ना आ जाए तब तक आप इसे डाल सकते हैं। और अब हम इसे मिक्स करने के बाद एक आइसक्रीम स्टैंड में डाल देंगे। अगर आपके पास ये आइसक्रीम स्टैंड ना हो तो आप इसे ग्लास में भी जमा सकते हैं, डिस्पोजेबल कप में भी जमा सकते हैं। तो हमारी बहुत ही टेस्टी ब्लूबेरी फ्लेवर की ये टेस्टी आइसक्रीम बन जाएगी। और इसे बनाने में आप देख सकते हैं बहुत ही कम सामान लगा है, और बस दूध को गर्म करके हमें पहले से रख देना है और ठंडा करने के बाद इसे बनाना है। सेट करने के बाद हम इसमें क्लिंग रैप लगा देंगे और इसे हम ओवरनाइट या फिर 7 से 8 घंटे के लिए जमने के लिए छोड़ देंगे फ्रीजर में। तो ये हमारी अच्छी तरह से आइसक्रीम सेट हो जाएगी। अब हम इसमें थोड़े थोड़े से होल कर देते हैं जिससे कि हम इसमें आइसक्रीम स्टिक लगा सकें। इसमें जो कैप आता है वो कभी भी ना लगाएं, क्योंकि वो हाफ से स्टिक होती है, तो जैसे ही आप आइसक्रीम निकालेंगे ना तो वो आइसक्रीम नीचे रह जाएगी और स्टिक बाहर आ जाएगी। तो आप इस तरह के स्टिक का इस्तेमाल करें जिससे कि आपकी बिल्कुल आइसक्रीम परफेक्ट निकले। तो सभी में हमने ये देखिए आइसक्रीम स्टिक लगा दी है। क्लिंग रैप लगाना बहुत ही ज़रूरी है जिससे कि हमारी आइसक्रीम परफेक्ट बने। तो ये देखिए 7 से 8 घंटे हो चुके हैं, मैंने इसे ओवरनाइट रखा था। तो बहुत ही अच्छी तरह से हमारी आइसक्रीम बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रीमी और बहुत ही कलरफुल इसका कलर भी है। तो इसे थोड़ा नॉर्मल हो जाने देते हैं, इसके बाद हम निकाल लेंगे इसे। तो आइसक्रीम थोड़ा सा नॉर्मल हो गई, इसके बाद अपने आप ये देखिए निकल आई हैं। तो आप भी इस तरह से झटपट से बनाइए, आपके बच्चों को ये आइसक्रीम बनाने में बहुत ही इजी पड़ेगी, बहुत ही कम बजट में बनेगी। और अगर आपके बच्चे दूध नहीं भी पीते हैं तो इस तरह से उन्हें बनाने को देंगे ना तो वो झटपट से बनाएंगे भी और पियेंगे भी। तो लीजिए, बनकर तैयार है हमारी बहुत ही टेस्टी ब्लूबेरी फ्लेवर की बनी हुई मिल्क से तैयार टेस्टी आइसक्रीम। आई होप कि आपको यह रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम की रेसिपी, जिसे हम इंस्टेंट ही बनाकर तैयार कर लेंगे। ना ही हम इसे कुकिंग करना है और ना ही कुछ और। रेसिपी पसंद आई तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है दूध, तो इसमें मलाई भी है, तो मलाई भी ऐड करें जिससे कि और भी क्रीमी लगेगी। है तो मैंने यहाँ पर 1.5 गिलास दूध ले लिया है। दूध को बॉईल करके अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। 2 चम्मच हमने इसमें चीनी डाल दी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर हम डाल रहे हैं 2 चम्मच कंडेंस मिल्क, इससे क्रीमीनेस और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप यहाँ पर मिल्क पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सभी चीज़ हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर दी है। इसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमने इसमें डाल देना है थोड़ा सा ब्लू कलर। आप यहाँ पर अपना मनपसंद कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फूड कलर है, ये बहुत ईजली किसी भी मार्केट में, बेकरी शॉप में या फिर ऑनलाइन मिल जाता है। तो हमने यहाँ पर 2-3 ड्रॉप ही डाले हैं। देखिए बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। अब हम इसे किसी भी आइसक्रीम स्टैंड में अच्छी तरह से भर लेंगे। आप यहाँ पर तो चाहें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, नारियल का बुरादा भी डाल सकते हैं फ्लेवर और टेक्सचर देने के लिए। तो सभी खाचों में हमने अच्छी तरह से भर लिया है। इसके ऊपर हम लगा देंगे एक क्लिंग रैप और इसके ऊपर हम एक छोटा सा होल करके आइसक्रीम स्टिक लगाएंगे।
आप चाहें तो नॉर्मल जो इसमें स्टिक मिलती है स्टैंड के साथ वो भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास स्टैंड ना हो तो आप इसे ग्लास में भी बना सकते हैं, डिस्पोजेबल कप में भी बना सकते हैं या चाय के कप में भी आप इन्हें बना सकते हैं। अब इस तरह से आइसक्रीम की स्टिक मार्केट में बहुत ईजिली मिल जाती हैं, तो इन्हें भी आप अच्छी तरह से लगा दें। इन्हें ओवरनाइट या फिर 7 से 8 घंटे आप जमने के लिए छोड़ दें, जिससे कि हमारी आइसक्रीम बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। तो सभी में हमने स्टिक लगा दी है, इसे जमने के लिए छोड़ देते हैं। तो मैंने यहाँ पर ओवरनाइट आइसक्रीम को जमने के लिए छोड़ दिया था, बहुत अच्छी तरह से ये सेट हो गई है। थोड़ा सा नॉर्मल हो जाने देते हैं। ये देखिए आइसक्रीम हमारी बहुत ही अच्छी तरह से नॉर्मल हो चुकी हैं और आप इसे स्टैंड से बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। तो आप इन्हें बनाइए, बच्चों को खिलाइए, सभी को ये बहुत पसंद आने वाली हैं। झटपट से बनकर तैयार हो जाती हैं और बनाने में बहुत ज़्यादा सामान भी नहीं लगता। तो इसी तरह से आप इन्हें बनाइए, खाइए, इंजॉय करिए। तो लीजिए, बनकर तैयार है हमारी बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम रेसिपी, विदाउट कुकिंग, विदाउट मेहनत और झटपट से घर में रखे हुए सामान से बनकर तैयार। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।